हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं चाउमीन। फटाफट से बना लेंगे, 10 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ओके, चाउमीन बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन पर हम पानी गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और पानी डाल दिया है इस पर। और जैसे ही इस पर बॉयल आना शुरू हो जाएगा, हम इस पर चाव डाल देंगे। तो दो टुकड़े में तोड़कर इसे डाल देंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे हम इसे। तो चम्मच से इस तरीके से फैला दें और इसे बॉईल होने देंगे। और जब ये बॉईल हो जाए तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। चेक कर लेते हैं इसे चम्मच से। चाव जो है टाइट सा थोड़ा फील हो रहा है, तो हमें इसे इतना ही पकाना है, कम्प्लीटली इसे नहीं पकाना है। और अब इसे हम छान लेंगे। जैसे ही गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे तुरंत ड्रेन कर लेना है, अदरवाइज गर्म पानी पर ये और पक जाएगा और स्टिकी हो जाएगा। तो मैंने इसे छान लिया है और अब इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा ठंडा पानी। इससे चाव के अंदर की हीट खत्म हो जाएगी और ये नॉन स्टिकी बना रहेगा। तो इसको पानी डालकर छान लेना है और अब इसे प्लेट पर फैला दें। तो इस तरीके से फैलाकर आप इसे रख दें। एंड नेक्स्ट, अब एक कढ़ाई पर ऑयल गर्म कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और अब इस पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुटी हुई लहसुन। तो हरी मिर्च और लहसुन मैंने डाल दिया है। चलाते हुए इसे हम भून लेंगे और 1 मिनट तक भूनने के बाद अब इस पर हम डालेंगे अनियन, जिसे मैंने स्प्रिंग में कट किया है, साथ ही में कैप्सिकम। सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इन्हें हमें हल्की सी सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। तो मिक्स करते हुए इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि अनियन और कैप्सिकम हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। और अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो थोड़ा सा नमक डाल दें और दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम भूनने देंगे। ओके, सब्जियों को फ्राई कर लिया है हमने। तो अब इस पर हम चाव डाल देंगे। तो चाव मैंने डाल दिया है और साथ ही में अब डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और साथ ही ये डाला है सोया सॉस। और अब मिक्स कर लेंगे सभी को। तो हल्के हाथों से मिक्स कर लें इसे चम्मच से और मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे सभी फ्लेवर एक साथ आ जाएं। और अब चाउमीन लगभग बनकर रेडी हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, प्लेट पर निकाल कर सर्व कर लेंगे इसे। तो देखा आपने कितना झटपट हमने इसे बना लिया। 10 मिनट से कम टाइम में भी ये बनकर रेडी हो गई है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है।